अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपको मेरी प्रीवियस वीडियो भी अच्छी लगी होगी जिसमें मैंने आपको एसपी लाइन के बारे में बताया था कि एसपी लाइन क्यों ड्रा आती है, उसकी इसका पर्पस क्या होता है। और आज के हम लेसन के बारे में बताएंगे एलिप्स शेप के बारे में कि इससे क्या होता है और इसका पर्पस क्या होता है। चले हम आज क्या लेसन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने आपको बताया था यूनिट सेट करने, यू एन मीटर, इंजीनियरिंग 0 फिट 0 इंच, ओके। फिर डायमेंशन स्टाइल मेजर डी इंटर मॉडिफाई इंजीनियरिंग 0 फिट 0 इंच, ओके। सेट करेंट क्लोज, आगे यू सी इंटर यू सी एस आईकॉन, यहाँ पे अगर हम इसको सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे, तो ये देखेंगे हमारा यू सी एस आईकॉन यहाँ पे आ जाएगा। अगर हम इसको ऑफ कर देंगे यानी कि अनसेलेक्ट कर देंगे, यू सी इंटर डिस्प्ले एट यूज़ इन ओरिजिनल पॉइंट, ओके। अब ये मूवमेंट नहीं करेगा, ये देखें ठीक हो गया। आगे डी आई एम डिम एस सी ए एल ई डिम स्केल इंटर 3 फिट 3 फिट इंटर, ये देखें। सबसे पहले हम एलिप्स शेप के बारे में बात करते हैं कि यहाँ पे ये एलिप्स आ जाएगा। यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे, सेंटर एक्सिस एंड एलिप्टिकल आर्क, ठीक है। यहाँ पे हमने इसकी शॉर्टकट की है EELLIPSE, एलिप्स, ठीक है। इसका बेसिकली वैसे इसका भी ऑटोकैड में इतना काम नहीं होता, बट फिर भी इसका यूज़ कम होता है। ये देखें, इससे ये देखें एक शेप ड्रा हो जाएगी, ठीक है। EELLIPSE इंटर, ये नीचे हमारे पास आ जाता है आर किया सेंटर, ए इंटर स्पेसिफाई एक्सिस एंड पॉइंट ऑफ, ठीक है। यहाँ पे क्लिक किया, ये देखें आर नीचे आ गया हमारे पास रोटेशन, क्लिक किया हमारे पास रोटेशन आ जाएगी, क्लिक किया इंटर इंटर पी इंटर क्लिक ए इंटर पी इंटर। वैसे इसका इतना काम नहीं है, बस ये एंगल शेंगल के लिए है सिर्फ। यहाँ पे हमारे पास आ जाते हैं एंड एक्सिस, क्लिक किया फर्स्ट सेकंड, ये देखिए हमारे पास एक बेजवी टाइप की ना शेप ड्रा हो जाएगी। यहाँ पे हम फिर इसको सेलेक्ट करते हैं, क्लिक किया यहाँ पे क्लिक किया, ये देखिए इसका हम समझ लो सर्कल एक 100% पॉइंट पे नहीं बना सकते, बट इससे बेजवी टाइप की शेप ड्रा हो जाती है, ये देखिए ठीक है। अगर सर्कल हमने ड्रा करने वहाँ हो तो हमें पता है सी इंटर 5 फिट का सर्कल लेना, 5 फिट इंटर ई इंटर जेड स्पेस ई स्पेस, ये देखें। अगर हमें देखना है ये रेडियस, ये देखें ये हमारे पास इसका रेडियस 5 फिट है। अगर हमने देखना है इसका डायामीटर, ये हमारे पास डायामीटर आ जाएगा इसका। अगर इसी तरह हम EELL एलिप्स पे बात करते हैं, इंटर किया फर्स्ट सेकंड इंटर क्लिक, यहाँ पे डायामीटर डायामीटर इसका भी चेक हो जाएगा, मगर यहाँ पे सिलेक्ट आर्क और सर्कल, ये आर्क नहीं है ना सर्कल है, इसलिए ये एलिप्स शेप है, जिसकी वजह से ना इसका ना रेडियस ना डाया दोनों चीज़ें मालूम नहीं हो सकती, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे आने वाली वीडियो की अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो कमेंट करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।